शेक्सपियर स्टीवन फ्रेंड भी ऑब्जर्व करें, ये बिहेवियर है ये इस्तेमाल हम करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स विद सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के लिए वेबसाइट डेवलप करने के लिए। ओके, ये ड्रीमवीवर 8 है, इसका लिंक मैंने आप लोगों के शेयर के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, तो वो जो है ना आप हासिल करें, किसी और तरीके से भी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक, ये गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखिए, इसमें ओपन रिसेंट आइटम और ये क्रिएट न्यू, ये इतने किस्म के लैंग्वेजेस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इसमें सैंपल वगैरह टेम्पलेट्स भी हैं। जब आप लोग यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में देखिए ये इतनी सारी चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इतने सारे लैंग्वेजेस, ये देखिए कस्केडिंग स्टाइल शीट में बनी बनाई चीज़ें हैं, इसको हम इंशाल्लाह बारी बारी कवर करेंगे। ये देखिए टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट मीन्स के ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह वेबसाइट के सैम्पल होते हैं जो पेजेस। ठीक, इसमें नहीं है, अगर आप कोई और वर्जन डाउनलोड करें तो इसमें ये होते हैं। मिसाल के तौर पर डायनामिक पेजेस या बेसिक पेजेस, देखिए जब मैंने डायनामिक पेज, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि डायनामिक पेजेस में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज़रूरी है, तो बेसिक जो पेज है इसके लिए HTML वगैरह ये काफ़ी है। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं HTML पे क्लिक करूँ तो आम HTML का फाइल क्रिएट हो जाएगा, अगर टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो टेम्पलेट, अगर इधर हो तो। ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका तरीकाकार है इस्तेमाल करने का, ये बने बनाए यदि कि कोड लिख हो गया होगा। देखिए हेड है, हेड के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, ये बाकी मिसाल के तौर पर यहाँ पे लेट से कोई भी टेक आप लिखते हैं। ठीक, तो आप फॉर इंस्टेंस अगर आप थोड़ा सा सिर्फ लेस देन साइन ही लिख लें तो ये जो है ना आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक हेडिंग वन लिखना है लेट से, ठीक, तो हेडिंग वन H1 लिख लें और H1 आ जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, और दूसरे फिर आपने इस तरह ड्रैग डाउन मेनू से, ठीक है ना, तो ये इसको एंटर करें, ये जो है ना ऑलरेडी हो जाता है। जब आप इसको ये करें तो जो एडवांस वर्जन है अभी ड्रीमवीवर का जो 9 से ये 8 वर्जन है, इसे अगला जो वर्जन है इसमें ये जो है ना ये खुद ब खुद जो एंड टेक है वो भी खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। ठीक, ये जो है ना इसकी अच्छी खूबी है। ये देखिए इसमें हम फॉर एग्जांपल वैसे लिखते हैं ना, लेट से अभी मैंने लिख लिया H1 फॉर एग्जांपल, और एंड टेक और स्टार्ट टेक मैंने मैन्युअली लिखे, जो इसके एडवांस फॉर इंस्टेंस वर्जन है अगर आप लोगों को मिल गया तो वो हमारे साथ भी शेयर करें। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप H1 लिखे हेडिंग 1 तो जो एंड हेडिंग है वो खुद ब खुद आ जाता है। ठीक, इसमें हम काम करेंगे, ये देखिए HTML का जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ से शुरू होता है, ये इसका बेसिक टेज है, ये इसके साथ जैसे w3school.org वो जो फॉर्मेलिटीज से वो लिखे होते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले की, सिर्फ ये टेक आप लिख ले तो बस काम चल जाएगा। ये देखिए इस तरह, ठीक है, ये फिर हेड टेक है, हेड टेक के अंदर ये वैसे जो है ना फालतू है, ये फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स लिखे हैं। ठीक, हेड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टेक्स हम लिखते हैं। ये जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूँ कि कोई बिल्कुल बिगिनर है और टेक टेक मैं कर रहा हूँ, टेक इसको कहते हैं HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, ये जो लेस देन है और ग्रेटर देन साइन हम लिखते हैं, इसके अंदर कुछ हरूफ लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं टेक। ओके, कुछ टेक सिंगल होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, ये अभी HTML टेक प्लूरल है, ये देखिए स्टार्ट और एंड, हेड स्टार्ट और एंड, बॉडी स्टार्ट और एंड, ठीक है, और कुछ इस तरह होते हैं कि वो सिंगुलर फॉर इंस्टेंस होते हैं, एक ही टेग होता है। ठीक, तो इस चीज़ों का आपको आप लोगों को इलम होना चाहिए। ठीक, तो यानी जो एडवांस वर्जन अगर आप फॉर एग्जांपल ड्रीमवीवर का आप फाइंड आउट करेंगे वो इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा। ठीक है, तो यानी इसमें प्रोग्रामिंग का जिस तरह अभी मैंने फॉर एग्जांपल अभी हेडिंग के अंदर या बॉडी के अंदर में मैंने हेडिंग वन लिखा, लेट्स से अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, टी में लिख लूँ, ये देखिए खुद आपने सिर्फ टी लिख लिया वो खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, अभी एंड टेक और फिर जो है ना
यानी जो इसके एडवांस वर्जन है अगर आप टेबल लिखे तो टेबल का एंड टैग खुद आ जाता है, यहाँ पे वो हम मैनुअली लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इतने सोफिस्टिकेटेड है, सबलाइम टेक्स्ट भी है। अच्छा, गूगल वालों ने अगर आप लोग गूगल करें, गूगल वालों ने वेब डिज़ाइनर ऐप वो अपना इन्होंने निकाला है। ठीक, ये भी बड़ा प्यारा है, समझ आ रहा है। और ये बिल्कुल जो एडवांस जो फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपर आईडीएली है, लेट से ड्रीमवीवर का जो एडवांस वर्जन है उसके तरह ये काम करता है गूगल वेब डिज़ाइनर। ठीक, ये इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, समझा रहा। ये जो है ना आप लोग जहन सुन गए, ये देखिए गूगल वेब डिज़ाइनर अभी खुल रहा है, ड्रीमवीवर ये है। ठीक, ये वर्जन ये है, आप मजीद कोई वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये जब आपने फॉर से अगर कोड लिखा, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जी BSIT फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ इसका इफेक्ट, ये देखिए प्रीव्यू वगैरह आउटपुट, फायरफॉक्स में करना चाहते हैं, एक्सप्लोर में करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सेव करना है, तब ये फॉर एग्जाम्पल इधर सेव करें, ये देखिए .stm डालते हैं या नहीं डालते, यहाँ सेव इस टाइप ऑलरेडी है। ठीक, इसको आप आपने नाम देना है, अभी इस पर कोई कदम नहीं, आप माई डॉक्यूमेंट में सेव करें, सी डायरेक्टरी में सेव करें या डेस्कटॉप पे सेव करें, ये जो है ना कोई इस पर फॉर एग्जाम्पल कैद नहीं है, आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जो भी नाम उसको देना चाहते हैं वो .stm से दे दें। ठीक, ये देखिए माई डॉक्यूमेंट में सेव हो गया, ये देखिए BSIT, समझ आ रहा है, वो जो ऊपर था ना जो HTML के बाद फॉरेंसिस इधर लिखा था। ठीक है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये वैसे इन्होंने लिखा था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको सेव करें। ठीक, और फिर अभी इसको दोबारा खोल दें फायरफॉक्स में, देखिए वो ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इस तरह आप इस तरह हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो HTML का जो पेज जो हम बनाते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, HTML टैग से। ठीक, टैग क्या है, लेस देन ग्रेटर देन साइन, और इसके अंदर जो भी फॉर एग्जांपल मार्कअप लैंग्वेजेस के जो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, हम इस तरह लिखते हैं, और इसके एक मखसूस मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल HTML टैग का मतलब क्या है, जब आपने लिखा कि ये वेब पेज शुरू हो गया, हेड टैग का मतलब क्या है कि जो नॉन विजिबल वेब पेज पे जो नॉन विजिबल चीज़ें हैं वो हेड के अंदर हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या कोई कस्टमाइज्ड स्टाइलशीट में आपने कोई सजावट वगैरह की है वो हेड में हम लिखते हैं, फिर बॉडी के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग वगैरह दर्ज करते हैं। ठीक, टेबल वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप इजीली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ये तो कोड है, ठीक, ये जो है ना स्प्लिट भी कर सकते हैं, समझ आ रहा है, ये जो है ना फिर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, टोटली वो पेज आ जाता है। स्प्लिट में क्या है कि आप इधर मिसाल के तौर पर BSIT 5th मैंने ये लिखा, ये देखिए वहाँ पे कोड खुद ब खुद बन रहा है, समझ आ रहा है ना, ड्रीमवीवर की ये जो है ना ड्यूटी है। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टेबल वगैरह आप ड्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मैन्युअली टेबल ड्रा करें। ठीक, इस तरह आप MS Word में ड्रा करते हैं, इसके तीन रो हो, तीन कॉलम हो, ठीक है, और हेडर वगैरह कुछ भी ना हो, मिसाल के तौर पर कैप्शन वगैरह रखते हैं या नहीं रखते आपकी मर्जी है। ठीक, ये देखिए टेबल मैंने वही जो आप फॉर एग्जाम्पल लेट से बनाते हैं क्या है MS Word में बनाते हैं, मिसाल के तौर पर उसी तरह का एक टेबल बन गया। ठीक है, इसकी तीन रोज है और तीन कॉलम। ठीक है, ये देखिए खुद ब खुद वो टेक्स वगैरह बन जाते हैं, समझा ना, कोड खुद ब खुद बन जाती है वहाँ पे, क्लियर है ना। ये देखिए टेबल बन गया, और टेबल के अंदर TR टेबल रो इसको कहते हैं, ये रफ्तार रफ्तार आप लोग सीखेंगे, टेबल डेटा हर एक में फॉर इंस्टेंस डेटा वगैरह, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आप एड भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अली
यदि आपने लिख लिया उधर भी हो गया है, देखिए कोडिंग में खुद ब खुद हो जाता है, समझा रहे ना। तो ये सोफिस्टिकेटेड है, आप लोगों ने घबराना नहीं, ठीक है ना। कोडिंग बहुत आसान है और इंशाल्लाह हम इसमें आराम आराम से आगे जाएंगे। अभी आप लोगों का टास्क ये है कि एक खूबसूरत किस्म का वेब पेज जो है ना वो आप लोग क्रिएट करें ग्रीन वीवर के जरिए, ठीक है ना। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, खूबसूरत वेब पेज, जो भी वेब पेज आपको बेहतर लगे वर्ल्ड वाइड वेब पे वो इसमें क्रिएट करें, ठीक। जो आसान हो कोई बात नहीं, जो फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट, जो हमारे बच्चे इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो जो है ना डिफिकल्ट फाइंड आउट करें, जो अभी बिगिनर है वो इस तरह सिंपल सा जो भी आपको पेज पसंद आ जाए वो इसमें डिज़ाइन करें, ठीक है ना। इस तरह वो स्प्लिट पे क्लिक करें, ठीक है ना, कोड और स्प्लिट और डिज़ाइन। ये जो वर्जन 8 है इसका लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर के साथ मैंने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ।